आइए टाइप ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। पहला इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन। कितना बार लिखोगे? 1 लाख बार लिखवा चुका हूं। इंटरिम का मतलब इन बिटवीन, पर लिख लो, नहीं लिखने मतलब लिखने में भी आलस कर रहे, लिख लिया तो इन बिटवीन। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आर्बिट्रेशन में कोई केस जाता है तो क्या सारे केस का डिसीजन तुरंत आ जाता है या टाइम लगता है डिसीजन आने में? अच्छा जब तक मेन डिसीजन ना आ जाए तब तक बीच में क्या आता है? इंटरिम डिसीजन। इंटरिम डिसीजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब रोक लगाना। जैसे सुनो, इधर देखो, जैसे मालूम चला ये दोनों बच्ची आपस में मारपीट कर रही है और मारपीट का केस मेरे पर आया और मैंने, मारपीट मतलब कोई क्रिमिनल मारपीट नहीं है, बस गाली गलौज थोड़ा बहुत, क्योंकि क्रिमिनल केस होने पर थोड़ी आएगा आर्बिट्रेशन में, है ना। तो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रही है, अगर मेरे पास आएगा केस, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे को देखना बंद करो और अलग अलग रहो इससे पहले कि मारपीट बढ़ जाए। तो देखो ये भी एक डिसीजन है मेरा, डिसीजन भी इन दोनों को मानना पड़ेगा, पर क्या ये फाइनल डिसीजन है या इंटरिम है? मुझे लगता समझ में आ गया। तो एक बात बताइए, क्या इंटरिम अवार्ड भी अवार्ड ही होता है? यस, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। तो अवार्ड के कितने एसेंशियल थे पिछले पेज पर देखो तो, अब पेज उल्टाने में भी आलस, कितने? 7। तो क्या 7 इंटरिम अवार्ड पे भी लगेगा? इट मस्ट बी डेटेड, प्लेस होना चाहिए, बोलो। अरे अवार्ड चाहे बीच में आए लास्ट में आए, अवार्ड मीन्स अवार्ड, है ना, चाहे वो फाइनल अवार्ड हो चाहे वो इंटरिम अवार्ड हो, याद रहेगा। अगला एडिशनल अवार्ड, अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे, एक दो पेज पर देखो आ रहा होगा करेक्शन एडिशन, बस अगले पेज पे ये नीचे एडिशनल होगा, मिला तो मैं कुछ देर में पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं वहीं पढ़ा दूंगा अभी। अगला सेटलमेंट मैं कुछ देर में पढ़ाने वाला हूँ, और लास्ट में फाइनल अवार्ड। तो मुझे दो ही पढ़ाना था, इंटरिम एंड फाइनल, दो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो बताइए अवार्ड कितने तरीके के हो सकते हैं? सर पहले शुरुआत में इंटरिम आता है, लास्ट में फाइनल आता है, फाइनल आने के बाद कुछ एडिशनल भी अवार्ड आ सकता है। अब बहुत बार आर्बिट्रेशन को छोड़ के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? सेटलमेंट में, तो सेटलमेंट वाले अवार्ड भी हो सकते हैं। ऐसे मैंने बता तो दिया ही है, लेकिन अभी और अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। तो सब मिला के 4 अवार्ड का नाम बोलो स्पीड में। इंटरिम का उल्टा फाइनल, और फाइनल के बाद एडिशनल। अब बहुत बार लोग आर्बिट्रेशन को छोड़ के किसमें घुस जाते हैं? सेटलमेंट, तो सेटलमेंट अवार्ड। ऐसे बोलो तो चारों जैसे मैंने बोला। चलो जी अब हम पढ़ते हैं सेटलमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेटलमेंट। 5 स्टार रेटिंग देना, ये एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है सेटलमेंट के ऊपर। तुम्हारे बुक में है लिखा ही हुआ है ये सब। चलिए सेटलमेंट क्या होता है इधर देखो। हाँ जी ध्यान से सुनिए, जैसे मालूम चला मैं आर्बिट्रेटर हूं, ठीक है ना, मेरे पास ये दोनों केस लेके आई कि सर इसने मेरे बारे में बड़ा गाली गलौज, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, नहीं भला बुरा, हाँ अब जाके, हाँ एक तो मेरा स्लिप ऑफ टंग है, तुम लोग तो और भयंकर टंग ही नहीं है, मतलब अभी तक तो कोई सुधार नहीं पाया, क्या था? भला बुरा, है ना, सीधा गाली गलौज अच्छा लगता था सुनने में। तो इसने उसने बोला कि इसने मेरे बारे में भला बुरा कहा या उल्टा सीधा कहा, हाँ ये क्लियर ही है भाई, है ना, उल्टा सीधा कहा, वो बोल रही इसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा, ठीक है जी। अब ये केस लेके आ गई आर्बिट्रेशन में, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे पूछा कि क्या मतलब, क्या उल्टा सीधा क्या? तो सर मेरा नाम उल्टा बोली, मेरा नाम उल्टा बोली तो फिर क्या हुआ? कहा मेरे खानदान का नाम उल्टा कर दी। मैंने कहा ये तो बहुत छोटा मोटा केस है, क्या इसमें मैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चलाऊं 12 महीने अवार्ड फवार्ड? अरे भाई ये भी तो जुडिशियल नहीं है, कौसी जुडिशियल नहीं है, पर 2 क्लासेस से चल रहा लगातार, तो इतना भी इजी नहीं है, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? उसमें भी खर्चे हो ही जाएंगे, 4-5 सिटिंग्स हो गई तो खर्चे तो होंगे ही। तो मुझे लगा कि बहुत छोटा सा चीज़ है ये, मैंने इन दोनों को बोला कि एक काम करो आप सेटलमेंट में चले जाओ, सेटलमेंट का मतलब एक काम करो, बगल में अपने कोचिंग के एक अच्छा सा पार्क है, उस पार्क में चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, बारिश छुमछुमाती रहती है, और कुत्ते नहीं भौंकते हैं, है ना, और मोर घूमते रहते हैं, और झरने से पानी गिरता रहता है, और फूल बरसते रहते हैं, फलते रहते हैं, और फल गिरते रहते हैं,
और क्या पानी सूखता रहता है, हद हालत है ना, हर तरफ हरियाली होती है ना, और बड़ा अच्छा ही माहौल होता है। तुम दोनों वहां जाओ बैठो और तुम दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखो, है ना। अरे सुनो तो पहले, देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे हम दोनों तो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ही झगड़ा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये दोनों वहां गए और जैसा मैंने बोला था ऐसा ही हुआ। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते ही पता नहीं कैसे इमोशनल हुई ये लोग और एक दूसरे से गले लग गई, है ना। और गले लग के मेरे पास गले के साथ ही आई और बोले हम दोनों एक हैं अब। तो मैंने बोला वो जो, अरे मेरी बात सुनो पहले, हम दोनों एक मतलब हम में झगड़ा नहीं है, सुने। तो मैंने पूछा कि वो जो झगड़ा था वो उल्टा सीधा वाला कहानी वानी का, सब सीधा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, है ना। अब इसका खानदान मेरा, मेरा खानदान इसका, है ना। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, सुनिए आप, मतलब हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्लियर है जी। उसके बाद इन्होंने आपस में अपना बात कर लिया। तो मैंने बोला कि अब मैं कुछ अवार्ड अवार्ड दूँ, प्रोसीडिंग सब चलाऊँ का, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं अब। तो मैंने बोला एक बात बताओ, तुमने मेरे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया था तुमने, तो भाई मुझे कुछ तो अवार्ड देना पड़ेगा। तो जो तुम दोनों में आपसी बातचीत हुई है उसको लिख के स्टैम्प पेपर पे लाओ, मैं उसी पे स्टैम्प मार देता हूँ, अब वही अवार्ड हो गया और इस आर्बिट्रेशन को क्लोज करता हूँ, यही ना। अरे ये वाला सेटलमेंट है ना। तो ये दोनों जो की वो क्या था, सेटलमेंट। तो याद रखना सेटलमेंट सबसे अच्छा होता है। सेटलमेंट के दो फायदे होते हैं, ऐसे और भी फायदे हैं। पहला फायदा, क्या ये जो कोर्ट है, कौसी जुडिशल बॉडी है या आर्बिट्रेशन है, अगर लोग सेटलमेंट में जाके आपसी सेटलमेंट से झगड़ा सुलझा लें तो क्या इन सबों का टाइम बचता है, बोल ही नहीं रहा कोई। और दूसरा, ये दोनों ज्यादा खुश हैं आपस में चीजों को सुलझा के, बजाय कि मैं सुलझाता और मैं अपने डिसीजन इन पर थोपता। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताइए, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेटलमेंट होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि पार्टीज खुद ही आपस में वो डील करते हैं और उसमें किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो सेटलमेंट हमेशा अच्छा माना जाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पर सेटलमेंट के बारे में दो चीज़ें आप हमेशा याद रखना। सेटलमेंट के बारे में पहली बात यह है कि इसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ रीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने थोड़ी कोई डिसीजन दिया जो मैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन दूंगा। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप इस फैसले तक कैसे पहुंचेगा, मैं तो पहुंचा ही नहीं, ये दोनों पहुंची, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं ना स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मैंने कोई हियरिंग कराई नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देखा नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देखा नहीं। अब इन दोनों ने क्या किया ये दोनों जाने, तो मेरे पास कोई स्टेटमेंट ऑफ रीजन नहीं है। दूसरा सबसे अजीब बात यह है कि आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। क्यों अपील नहीं कर सकते? क्योंकि एक बात बताओ, मैंने डिसीजन दिया, जो अपील करोगे मेरे खिलाफ, कि तुम दोनों ने आपस में बात की हो तो फिर तुम दोनों जानो ना यार। अरे आपस में पता नहीं क्या तुम लोग का बातचीत हुआ और तुम मेरे खिलाफ अपील कर रहे हो यार, मैंने डिसीजन दिया जो मेरे खिलाफ अपील कर रहे हो। तो याद रखना वो तुम्हारा बोल्ड भी किया होगा, मैंने बुक में भी देखा होगा, तो सेटलमेंट में दो जगह बोल्ड किया होगा, 1-2 लिख दो, कौन कौन, नॉन अपीलेबल और डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट ऑफ रीजन, कहीं मिला होगा तुम लोग को, 1-2 कर दो, कर दिया। और बताओ कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 30। तो सेटलमेंट पे शॉर्ट नोट आता है, याद रहेगा, तो समझ में आ गया सेटलमेंट। अच्छा, सेटलमेंट के अंदर जो मैं अवार्ड दूंगा, क्या वो कौन सा अवार्ड कहा जाएगा, इंटरिम, फाइनल या सेटलमेंट अवार्ड? तो सेटलमेंट अवार्ड्स में दो चीज़ें मिसिंग होंगी, बोलो क्या क्या। एक तो स्टेटमेंट ऑफ रीजन नहीं होगा, दूसरा उसके खिलाफ अपील नहीं होगा। मुझे लगता है सेटलमेंट समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत। और खूब आजकल सेटलमेंट हो रहा है, इसी को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं। खासकर तुम देखिएगा जो डिवोर्स के केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर ये लोग सेटलमेंट के लिए भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? सेटलमेंट के लिए। और भारत में अभी भी 40-50% मैट्रिमोनियल केसेस सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जिन मुद्दों पे वो झगड़ा करते हैं वो कोई मुद्दा बहुत बड़ा होता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ईगो क्लैश होता है। ईगो निकाल दिया जाए तो क्लैश भी ख़त्म हो जाता है। और ईगो निकलेगा कैसे, हमारे आपके बोलने से या उन दोनों को आपस में समझने से? उन दोनों का आपस में समझने से। तो ये सिखा देता हूँ लाइफ अच्छे से चलाना तुम लोग, है ना। मैं तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता।